वीरान पहाड़ों में तीन किसान रहते थे। तीनों के पास कोई औरत नहीं थी, इसलिए रातों को वो तीनों काफी परेशान रहते थे। एक रात तीनों मिलकर एक गुड़िया बनाते हैं और फिर उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, मगर देखते ही देखते वो गुड़िया एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अब लड़की तीनों का फेविकोल निकालना चाहती थी, जबकि तीनों किसान उसे चुड़ैल समझ रहे थे। लड़की किसानों को मनाने की बहुत कोशिशें करती है, लेकिन तीनों किसान क्या करते हैं ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हमारी आज की कहानी पहाड़ों से शुरू होती है। पहाड़ी इलाका दिखने में तो खूबसूरत था, लेकिन लोग यहाँ कम ही रहते थे। पहाड़ों के बीचों बीच एक छोटा सा घर था और इस घर में तीन किसान भाई रहते थे। तीनों ही गाय पालते थे और उनके दूध से दही और पनीर वगैरह बनाते थे। बड़े भाई का नाम सैम था। सैम दिखने में ताकतवर था और उसे हथियारों का बेहद शौक था। सबसे छोटे भाई का नाम जिमी था। उसे शिकार का बहुत शौक था, लेकिन अभी वो अनाड़ी था। बीच वाले भाई का नाम विनी था और विनी काफी गुस्से वाला था। तीनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी, इसलिए घर में खाना बनाने का काम जिमी करता था। शाम होते ही विनी जोर जोर से प्रार्थना करने लगता ताकि उनका घर शैतानी ताकतों से बचा रहे। विनी को प्रार्थना का बेहद शौक था। वो जब प्रार्थना करता तो सैम और जिमी भी उसका साथ देते। तीनों भाई ईश्वर में पूरा यकीन रखते थे और तीनों रोज प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करने के बाद तीनों भाई साथ बैठकर खाना खाते थे। खाना खाते समय विनी हिसाब किताब भी करता। वो रोज देखता कि आज कितना दूध पैदा हुआ और कल कितना दूध चाहिए। अगले दिन सैम अपनी कुल्हाड़ी पर एक कपड़ा चढ़ा रहा था। इसके बाद वो सभी गायों को कुल्हाड़ी के ऊपर से गुजारता है ताकि वो सभी बुरी नजर से बची रहे। वैसे तो तीनों भाई अंधविश्वासी थे, मगर सैम कुछ ज्यादा ही अंधविश्वासी था। तीनों भाई रोज सुबह गाय चराने जाते और दोपहर के बाद वापस लौट आते। घर में भी आकर वो तीनों कुछ ना कुछ काम करते ही रहते। इनके पास एक तगड़ा बैल भी था जो रोज किसी न किसी गाय के साथ संबंध बनाता था। बैल की हरकतें देखकर आज विनी के डंडे में भी आग लग गई, मगर वो बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उधर जिमी भी टहलते टहलते एक गुफा में आता है। गुफा में उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है जो देखने में थोड़ा अजीब था। इस टुकड़े को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी लड़की का चेहरा हो। थोड़ी देर बाद रात हो गई और तीनों भाई खाना खाकर बातें करने लगे। बातों बातों में जिमी अपने भाइयों को लकड़ी का टुकड़ा भी दिखाता है, जिसे देखकर सैम भी हैरान हो गया। उसे भी ये टुकड़ा लड़की के चेहरे जैसा ही लगा। वो उसे एक कपड़े में लपेटकर उसकी गुड़िया बनाने लगा, लेकिन विनी को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए वो डांटकर सैम को रोकता है। इसके बाद तीनों भाई सोने की तैयारी करने लगे। जिमी के साथ ही सैम लेटा हुआ था, जबकि विनी थोड़ा दूर था। आज गुड़िया के बारे में सोच सोच कर सैम का बुरा हाल हो रहा था। वो अपने ही भाई जिमी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा, जिस कारण जिमी उसे रोककर विनी को पुकारने लगा और विनी जल्दी जल्दी आकर सैम की पिटाई करने लगा। वो सैम की अच्छी धुलाई करता है। सैम की धुलाई कर वो खुद जिमी के साथ सो जाता है और सैम उनसे थोड़ा दूर लेट जाता है। अगले दिन तीनों भाई फिर से अपना अपना काम करने लगे। सैम विनी से माफी मांगता है कि वो दोबारा जिमी के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर विनी भी खुश हो गया और वो उससे कहता है कि आज रात हम पार्टी करेंगे। रात होते ही सैम और विनी दारू पीने लगे। जिमी दारू नहीं पीता था और वो बैठकर गुड़िया का चेहरा बनाने लगा। इसी बीच सैम उसके पास आता है और जबरदस्ती उसे दारू पिलाता है। जिमी ने गुड़िया का चेहरा काफी अच्छा बनाया था, जिसे देखकर सैम भी हैरान हो गया था। अब वो जल्दी जल्दी कुछ कपड़े उठाकर विनी से कहता है, हम गुड़िया पूरी बनाएंगे और फिर उसके साथ अपनी गर्मी भी मिटाएंगे। सैम की बात मानकर विनी भी उसकी मदद करने लगा। अब दोनों मिलकर गुड़िया का शरीर बना रहे थे, क्योंकि गुड़िया का चेहरा तो जिमी पहले ही बना चुका था। कुछ ही देर बाद गुड़िया बनकर तैयार हो गई और तीनों भाई उसके पास बैठकर खाना खाने लगे। वो तीनों गुड़िया से भी बातें कर रहे थे। तीनों पर दारू का नशा चढ़ा हुआ था और तीनों ही गुड़िया को लड़की समझ रहे थे। खाना खाने के बाद सैम गुड़िया के साथ नाचने लगा। वो उसके साथ ऐसे नाच रहा था जैसे वो सच में लड़की हो। नाचने के बाद वो गुड़िया के साथ संबंध भी बनाता है और अपना जूस निकालता है। सैम के बाद विनी भी गुड़िया के साथ नाचने लगा। वो भी गुड़िया को असली लड़की समझ रहा था। नाचते नाचते वो गिर जाता है, लेकिन जब वो उठने लगा तो उसे गुड़िया की पीठ में हरकत नजर आती है। विनी ये सब देखकर हैरान हो गया और देखते ही देखते गुड़िया असली लड़की में बदल गई। अब ये लड़की जिमी की तरफ बढ़ने लगी और जिमी उसे देखकर बहुत डर गया। लड़की जिमी के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी विनी उसे पीछे से पकड़कर रोक लेता है। अब विनी लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगा, मगर देखते ही देखते वो लड़की फिर से गुड़िया में बदल गई। अगले दिन विनी सबसे पहले उठता है और उठते ही गुड़िया के शरीर को जला देता है। इसके बाद तीनों भाई अपने अपने काम पर लग गए। सैम और विनी दूध का दही बनाने लग गए, जबकि जिमी गाय चराने लग गया।
तीनों भाइयों को लगने लगा कि कल रात उन्होंने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली थी और नशे में वो गुड़िया को लड़की समझने लगे थे। गाय चराते चराते जिमी काफी दूर निकल आया था और यहाँ उसे वही लड़की नजर आती है जो गुड़िया में बदली थी। लड़की देखकर जिमी बहुत डर गया और डर के मारे वो अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद जिमी अपने घर तो लौट आया था, लेकिन वो अपने भाइयों को कुछ नहीं बताता। रात को तीनों भाई खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन तीनों भाई फिर से काम करने लगे। आज भी जिमी को लड़की नजर आती है और उसे देखकर वो चिल्लाता है। उसकी चीख विनी ने भी सुन ली थी और उसे भी लड़की नजर आती है। लड़की ने पूरे कपड़े नहीं पहने थे। वो इशारे कर तीनों भाइयों को अपने पास बुला रही थी, मगर उसकी हरकतें देखकर तीनों में से कोई भी उसके पास नहीं जाता। विनी अपने भाइयों से कहता है, इसकी तरफ मत देखो, ये चुड़ैल है और ये हमें मार सकती है। इसी बीच लड़की सैम के पास आती है। उसकी खूबसूरती देखकर सैम गर्म हो चुका था। वो लड़की को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विनी आकर उसे रोकता है। अब दोनों भाइयों के बीच लड़ाई होने वाली थी, मगर दोनों का ध्यान जैसे ही लड़की पर जाता है तो उन्हें वो कहीं नजर नहीं आती। रात को तीनों भाइयों ने फैसला कर लिया कि वो सुबह होते ही पास वाले गांव में चले जाएंगे और दोबारा यहां कभी नहीं आएंगे। अगले दिन तीनों भाई दूसरे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तीनों भाई लड़की से डर गए थे, इसीलिए वो यहां से जा रहे थे। इसी बीच उन्हें पहाड़ पर लड़की नजर आती है और तभी पहाड़ से पत्थर भी गिरने लगते हैं। लड़की को देखकर तीनों भाई फिर से डर गए। वो आगे जाने की बजाय पीछे ही लौटने लगे। वो जब घर वापस आते हैं तो उन्हें अपने घर के बाहर भी लड़की नजर आती है। लड़की को देखकर अब विनी को गुस्सा आ गया। वो अपने भाइयों से कहता है कि इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो लड़की को पकड़ लेता है। सैम भी जल्दी जल्दी अपना सामान उठाता है, जिसके बाद तीनों भाई लड़की को बांधने लगे। देखते ही देखते वो तीनों लड़की को एक पत्थर से बांध देते हैं। सैम जल्दी जल्दी तगड़े बैल के पास जाता है और विनी एक गाय की चमड़ी उठाता है। अब सैम बैल को लेकर लड़की के पास पहुंच गया और विनी ने लड़की को गाय बना दिया। बैल लड़की को गाय समझकर उसके साथ संबंध बनाता है। बैल के बाद सैम भी लड़की के साथ करना चाहता था, लेकिन दोनों भाइयों ने उसे रोक लिया। इस बार सैम को रोकना थोड़ा मुश्किल था, जिस कारण उसके भाई उसके हाथ पैर बांध कर उसे दीवार के पास खड़ा कर देते हैं। सैम को बांधने के बाद विनी लड़की के पास जाता है तो उसे वहाँ लड़की नहीं मिलती। लड़की बिल्कुल ठीक ठाक उसके पीछे खड़ी थी। लड़की को देखकर तीनों भाई फिर से डर गए। इस बार भी विनी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर इस बार भी लड़की भागती है। वो भागते भागते पहाड़ी के आखिर तक पहुंच गई थी। विनी और जिमी जैसे ही उसके पास जाते हैं तो लड़की का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। दोनों को लगा कि लड़की खत्म हो गई और अब वो दोबारा कभी नहीं आएगी, लेकिन लड़की तो जिंदा थी। इस बार वो सैम के पास आकर उसे जान से मार देती है। इसके साथ ही वो उसकी चमड़ी भी उतार देती है। विनी और जिमी जब वापस आते हैं तो सैम का हाल देखकर डर जाते हैं। दोनों भाई समझ गए कि ये सारा काम चुड़ैल लड़की का ही है। दोनों इतना डर गए थे कि वो जल्दी जल्दी घर में घुसकर छुप जाते हैं। रात को भी छुपकर ही रहे और सुबह होने का इंतजार करते रहे। अगले दिन सुबह होते ही दोनों भाई दूसरे गांव जाने की तैयारी करने लगे। जल्दी ही दोनों ने अपना पूरा सामान उठा लिया और दोनों दूसरे गांव की तरफ बढ़ने लगे। विनी आगे आगे था, जबकि जिमी पीछे पीछे। इसी बीच विनी के सामने लड़की आती है और इस बार वो उसे मार देती है। उसे मारने के बाद वो उसकी भी चमड़ी उतारती है। अब सिर्फ और सिर्फ जिमी ही जिंदा बचा था और जल्दी ही लड़की उसके भी सामने आ जाती है। लड़की को देखकर जिमी बहुत डर गया। वो डर के मारे ईश्वर को याद करने लगा, जिसके बाद लड़की गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद जिमी अकेला ही दूसरे गांव में पहुंच गया। उसने गांव के सरदार को सब बता दिया था कि उसके भाइयों को चुड़ैल ने मार दिया है। सारी बात जानकर सरदार ने जिमी के घर कुछ आदमी भेजे और वो गुड़िया को जला देते हैं, क्योंकि सरदार का मानना था कि गुड़िया के जलते ही लड़की भी खत्म हो जाएगी। विनी ने पहले गुड़िया का सिर्फ शरीर ही जलाया था, लेकिन इस बार पूरी की पूरी गुड़िया को ही जलाया जाता है, जिसके साथ ही चुड़ैल लड़की का अंत हो जाता है। और इसी के साथ इस कहानी का भी यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।